नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत, तो मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। तेलंगाना की सभी 119 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। चुनाव प्रचार थम गया है, सभी राजनीतिक पार्टियों ने जमकर चुनाव प्रचार किया। कई सीटों पर यहां पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। चुनाव में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और क्रिकेटर से नेता बने मोहम्मद अजहरुद्दीन समेत कई दिग्गजों की साख दांव पर लगी हुई है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में गजवेल सीट काफी खासी चर्चित है। इस सीट से बीआरएस के उम्मीदवार और मौजूदा मुख्यमंत्री केसीआर मैदान में है। तेलंगाना के अलग राज्य बनने के बाद होने वाले दोनों विधानसभा चुनाव में गजवेल सीट से के चंद्रशेखर राव ही जीते हैं। इस बार बीजेपी ने केसीआर के सामने मैदान में इटेला राजेंद्र को चुनावी जंग में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने थुमकुटा नरसा रेड्डी को टिकट दिया है। गजवेल सीट से 40 उम्मीदवार तो कामा रेड्डी सीट से 39 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में सिद्दीपेट विधानसभा सीट पर सभी की नजर है। इस सीट पर साल 2009 से बीआरएस का दबदबा बना हुआ है। बीआरएस के दिग्गज नेता तनरू हरीश राव सिद्दीपेट विधानसभा सीट से लगातार 3 बार चुनकर विधानसभा पहुंचे हैं। बीआरएस ने फिर से हरीश राव पर भरोसा जताया है और उन्हें चौथी बार जीत का मौका लगाने के लिए चुनावी मैदान में उतार दिया है। तनरू हरीश राव केसीआर सरकार में वित्त, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भी हैं। तनरू हरीश राव के सामने कांग्रेस ने पुजाला हरिकृष्ण को टिकट दिया है, तो वहीं बीजेपी ने डी श्रीकांत रेड्डी को मैदान में उतारा है। वहीं तेलंगाना चुनाव में सिरसिल्ला सीट पर भी सभी की निगाहें बनी हुई हैं। इस सीट से बीआरएस उम्मीदवार और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के बेटे यानी केटीआर मैदान में हैं। वहीं सीएम के बेटे के सामने बीजेपी ने रानी रुद्रमा रेड्डी को खड़ा किया है, तो वहीं कांग्रेस ने कोडम करुणा महिंदर रेड्डी को टिकट दिया है। वहीं अगर पिछले चुनाव की बात करें तो केटीआर ने करीब 90,000 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी के महेंद्र रेड्डी को मात दी। चंद्रायण गुट्टा विधानसभा सीट AIMIM का गढ़ मानी जाती है। राज्य के गठन से लेकर अब तक चंद्रायण गुट्टा सीट ओवैसी की पार्टी ही जीतती आई है। साल 2018 के चुनाव में सीट से AIMIM के अकबरुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी की शहजादी सैयद को 80,000 से ज्यादा वोटों से मात दी थी। ओवैसी की पार्टी AIMIM ने इस बार अकबरुद्दीन ओवैसी के बेटे नूरुद्दीन ओवैसी को चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी ने सीट पर मुफ्ती सीताराम रेड्डी और बीआरएस ने सीताराम रेड्डी को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने बोया नागेश नरेश को मैदान में उतारा है। वहीं जुबली हिल्स विधानसभा सीट पर भी मुकाबला रोचक देखने को मिल सकता है, क्योंकि सीट से भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन मैदान में हैं और उनका मुकाबला बीआरएस के मौजूदा विधायक मगंती गोपीनाथ और AIMIM के मोहम्मद राशिद फराजुद्दीन से है। वहीं जुबली हिल्स सीट से बीजेपी ने लंकाला दीपक रेड्डी को मैदान में उतारा है। पिछले चुनाव में AIMIM ने जुबली हिल्स पे चुनाव नहीं लड़ा था। गोशमहल विधानसभा सीट काफी चर्चित सीट है। इस सीट से बीजेपी ने मौजूदा विधायक टी राजा सिंह को फिर से मैदान में उतारा है, जबकि बीआरएस ने नंदकिशोर व्यास को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस ने मोगली सुनीता को चुनावी जंग में उतारा है। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रत्याशी टी राजा सीट से 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। हमारे साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एन भारत।